गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपलीफिकेशन। क्या होता है सिंपलीफिकेशन? वो होता है जिसमें सरल रूप में हम नंबर को देते हैं। एक बड़े नंबर जिसमें सब प्रकार के ऑपरेशन होंगे। प्लस भी ऑपरेशन मीन्स प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, इंटू भी हो सकता है। तो अब उस नंबर को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसका सिंपलीफाई करना है, आसान रूप में लेकर आना है, उसे हम बोलते हैं सिंपलीफिकेशन। अब इसके अंदर जैसे कि एक बोर्ड पे आपको दिया हुआ है 21 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 प्लस 19 या 18 या जो भी हो, इस तरह आपको इनटू भी दिया है, माइनस भी किया है, प्लस भी किया है, डिवाइड भी किया है, तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसी को बोलते हैं सिंपलीफिकेशन। ये जो है ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है कुछ रूल होते हैं, वो रूल ये होते हैं कि ये जो इक्वेशन होती है वो जो सॉल्व की जाती है उसे डी मास मेथड से सॉल्व की जाती है। इस मेथड से डी मास, ओके। डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब इंटू, ओके। फॉरगेट का मतलब होता है प्लस, और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है माइनस। सबसे पहले यदि इक्वेशन में डिवाइड है तो हम पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, और माइनस इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी डिवाइड, सेकंड प्रायोरिटी मल्टीप्लाई, थर्ड प्रायोरिटी प्लस, एंड फोर्थ में आता है माइनस, ठीक है। यदि ब्रेकेट आपको दिए बी मास, बी मास मतलब ब्रेकेट, क्या होता है ब्रेकेट। इसके अंदर सबसे पहले स्मॉल ब्रेकेट सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेकेट, ठीक है। इसके बाद होता है स्क्वायर ब्रेकेट। इस तरह ये सॉल्व होते हैं, सबसे पहले कर्ली ब्रेकेट, फिर सॉरी स्मॉल ब्रेकेट, कर्ली ब्रेकेट और स्क्वायर ब्रेकेट, ठीक है। इस तरह ब्रेकेट पहले ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर डिवाइड, फिर इंटू, प्लस एंड माइनस। इस तरह ये सॉल्व होते हैं। एंड प्रीवियस क्लास में हमने देखा था प्लस प्लस जो होगा हमेशा प्लस होता है, माइनस प्लस जो होता है हमेशा माइनस होता है। जिसका साइन बड़ा होता है उसके रूप में हम उसे लिखते हैं, उसके आगे का साइन लगाते हैं। प्लस माइनस भी माइनस होता है, ठीक है। देन माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, होता प्लस है, पर नोट हम क्या करते हैं माइनस, ओके। इस तरह हम ये वाले चैप्टर जो को सॉल्व करने से पहले इन बातों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब आइए हम सबसे पहले एक दो क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इधर हम प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ओके। इस तरह ये दिए। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं 74 माइनस 3 प्लस 2, 74 माइनस 3, 74 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4। इसके बाद हम देखेंगे 63 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 75 माइनस 20, ओके। इस तरह हम इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन आई, ठीक है। हमारे दिमाग में आना चाहिए बी डी मास, ओके। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए डी बी डी मास, मतलब ब्रैकेट दिख रहा क्या, नहीं है। डी मतलब डिवाइड दिख रहे क्या, नहीं है। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये है किसमें, थ्री और टू में। थ्री टू जम क्या होता है, थ्री टू जम सिक्स प्लस फोर, बाकी एज इट इज 74 इंटू करेंगे पहले, थ्री टू जम सिक्स प्लस फोर, आगे का माइनस रखो माइनस। अब देखिए अब क्या बोला है हमने, एट। इसके बाद क्या होगा हमारा, एट प्लस फोर माइनस हो सकते हैं प्लस, प्लस करेंगे हम तो इधर माइनस सिक्स प्लस फोर, माइनस प्लस माइनस, सिक्स में से फोर माइनस होगा तो टू, पर कैसे
रिपीट करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करा माइनस सिक्स, फिर इन दोनों में प्लस माइनस, माइनस सिक्स में से फोर माइनस होगा टू, बड़ा करने से फोर या सिक्स, सिक्स है माइनस का साइन है इसलिए माइनस, सेवेंटी फोर माइनस टू सेवेंटी। अब देखेंगे इधर ब्रैकेट है नहीं, सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, तो थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा प्लस सेवेंटी फाइव माइनस सेवेंटी, डिवाइड किया अब मल्टीप्लाई है नहीं, उसके बाद प्लस, प्लस है इन दो फाइव प्लस वन सिक्स, सेवन एट नाइन माइनस ट्वेंटी, सिक्स में से जीरो माइनस हुआ सिक्स, नाइन में से टू माइनस हुआ सेवन, यानी क्या हुआ सेवेंटी सिक्स। इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। एक और करके देखेंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय 4, 19 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 18, 19 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 24 डिवाइडेड 18, 8 को माइनस 18। अब इधर सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं है, डिवाइड है किन दोनों में, सेवन ट्वेंटी फोर और एट, एट की टेबल में ट्वेंटी फोर कितनी टाइम आता है, एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, यानी नाइनटीन मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस थ्री माइनस एटीन। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, नाइनटीन फोर जा, तो यदि 19 की टेबल नहीं आती तो 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 1 जा 4, 5 6 7 76 माइनस 3 माइनस 18, ओके। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 माइनस 18, 19 20 21 जा 76, 76 माइनस 21 सेवन माइनस टू फाइव। रिपीट करें, पहले डिवाइड करेंगे एट की टेबल में ट्वेंटी फोर, इन दोनों के बीच में डिवाइड, एट की टेबल में ट्वेंटी फोर कितने टाइम है, थ्री टाइम है, साइन एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया फिर इन, ये मल्टीप्लाई हुआ, नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस, 18, 19, 20 और 21 पर साइन करेगा माइनस का, माइनस मतलब किसी को हमें पैसे देना है, यदि एक को हमें 18 रुपीज देना और एक को हमें 3 रुपीज देना है तो टोटल हमें कितने रुपीज देना ही है कि लेना है, देना है मतलब वो साइन क्या होगा, माइनस का क्या होगा 21 और 76 माइनस 21, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 2, ओके। सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, 63 डिवाइडेड बाय 7, 63 डिवाइडेड बाय 7, 63 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 3, ओके। इस वे में अब हम इधर देखते हैं, मल्टीप्लाई दिया है सबसे पहले, सेवन मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट है नहीं है, डिवाइड है इन दोनों में, सेवन की टेबल में सिक्सटी थ्री कितनी टाइम में आता है, सेवन नाइन का सिक्सटी थ्री, नाइन प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स माइनस, अब बी हो गया ए, ए मतलब इन दोनों में मल्टीप्लाई है, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, नाइन प्लस ट्वेंटी फोर माइनस थ्री माइनस, फिर प्लस करें नाइन प्लस फोर थर्टी टू, थ्री यही वन टू प्लस वन